हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम जानेंगे लिविंग पर्सनालिटीज़ ऑफ झारखंड के बारे में। आपको बता दें कि आज शुरू करेंगे हम महुआ माझी से। महुआ माझी झारखंड की एक साहित्यकार है और समाज सेवी हैं। साथ ही वर्ष 2022 में महुआ माझी राज्यसभा के लिए झारखंड से चुनी गई हैं और झारखंड से चुनी जाने वाली राज्यसभा के सांसद के रूप में वह पहली महिला हैं। तो आइए जानते हैं महुआ माझी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि महुआ माझी का जन्म 10 दिसंबर 1964 को रांची में हुआ था और वह एक बड़ी साहित्यकार हैं और साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ जाना पहचाना नाम है। महुआ माझी झारखंड की पहली महिला है जो राज्यसभा के लिए चुनी गई है झारखंड से। आपको बता दें कि पूर्व में महुआ माझी झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा वीमेंस विंग की केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में भी वह लगातार संघर्ष करती रही हैं। आइए अब जानते हैं साहित्यकार के रूप में महुआ माझी की क्या क्या रही है उपलब्धियाँ। महुआ माझी देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार है और बांग्ला भाषी होने के बावजूद उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया और उनकी कविताएं, कहानी, उपन्यास आदि उल्लेखनीय है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि महुआ माझी 2006 में मैं बोरिस शाइला नामक पहली उपन्यास लिखी थी जो काफ़ी चर्चा में रहा है और यह उपन्यास बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम पर आधारित है, यानी बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है यह किताब और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि उपन्यास में बोरिशाला एक जगह का नाम है और इस पुस्तक यानी उपन्यास में मुख्य किरदार हैं केस्ट्रो, जो बोरिशाला के ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2007 में उन्हें इंटरनेशनल कथा यूके अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार 2007 में उन्हें मैं बोरी शैला के लिए ही प्रदान किया गया था। यानी वर्ष 2007 में महुआ माझी को इंटरनेशनल कथा यूके अवार्ड मैं बोरी शैला नामक उपन्यास के लिए दिया गया था। मैं बोरी शैला अंग्रेजी में मी बोरी शैला के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। इस पुस्तक को सैपियेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में मॉडर्न लिटरेचर के स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, यानी रोम के यूनिवर्सिटी में इस पुस्तक को पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि महुआ माझी की दूसरी उपन्यास मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ भी काफ़ी चर्चा में रहा है और पूर्व के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में झारखंड में इसे कई बार पूछा भी गया है। आपको बता दें कि मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ यह पुस्तक जो महुआ माझी के द्वारा लिखा गया है जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन पर केंद्रित है। महुआ माझी ने उपन्यास के साथ साथ कई कहानियाँ लिखी जो चर्चा में रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उनकी कहानियाँ वागर्थ, हंस, नया ज्ञानोदय समेत हिंदी की अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। डॉक्टर महुआ माझी की चर्चित कहानियों में मोहिनी की मौत, झारखंडी बाबा, उफ ये नशा कालिदास, मुक्ति योद्धा, ताश का घर, रोल मॉडल, ड्राफ्ट, सपने कभी नहीं मरते, जंगल जमीन और सितारे और चंद्रबिंदु आदि शामिल हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं महुआ माझी को कौन कौन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महुआ माझी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, आइए इसे भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि महुआ माझी को अंतर्राष्ट्रीय कथा यूके सम्मान 2007 में दिया गया था और यह पुरस्कार उन्हें मैं बोरी शैला नामक उपन्यास के लिए दिया गया था जो बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन से संबंधित है। इसके अलावा इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, झारखंड रत्न सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी सम्मान, राजभाषा सम्मान, उज्जैन की कालिदास अकादमी के विश्व हिंदी सेवा सम्मान, फणीश्वर नाथ रेणु अवार्ड, साहित्य सम्मेलन शताब्दी अवार्ड और वर्ष 2022 में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।